What's up guys, welcome back to another video. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आई इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन मोबाइल। सिर्फ एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, कैप कट एप्लीकेशन हर एडिटर के मोबाइल में होती ही है। नहीं है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सबसे पहले आपने कैप कट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद उसका वॉल्यूम जीरो कर देना है। उसके बाद ऐड ऑडियो, और जो ऑडियो आपने लगानी है वो नीचे आप यहां से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट ऑडियो का भी और वीडियो का भी डिलीट कर दें। देन ऑडियो को ध्यान से सुनना है, जहाँ पे मेन बीट आए वहाँ पे वीडियो को कट लगा देना है। वीडियो कट लगाने के बाद आपने सिंपली स्टाइल में जाना है एंड ऑटो वेलोसिटी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने इफेक्ट्स में जाना है, उसके बाद बॉडी इफेक्ट्स एंड हेड वियर में जाके लाइटिंग आईज फोर्थ नंबर पे होगा, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ग्लो कितनी रखनी है, कलर कितना रखना है, फिल्टर कितना रखना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली इसको डन कर देना है। इसको पूरा एंड तक इफेक्ट को ले जाना है। उसके बाद एक और इफेक्ट लगाना है जो कि वीडियो इफेक्ट है। ट्रेंडिंग में जाके सिल्वर प्रिंट नाम से है, इसको भी फुल कर देना है। उसके बाद एक और इफेक्ट है वीडियो इफेक्ट, पार्टी में जाना है और पल्स नाम से है, छोटा सा लगाना है ये शुरू में जिधर मेन बीट है। इसको पूरा एंड तक नहीं ले जाना, बस ये यहाँ तक। देन इसके बाद आपकी वीडियो हो गई है रेडी। सिंपली आपने 60 FPS में इसको एक्सपोर्ट कर लेना। सो दिस इज द शॉर्ट ट्यूटोरियल ऑफ आई इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कैपकट। इस तरह से आप अपनी वीडियोस में अपनी आंखों पर कुछ बिजली चमका सकते हैं। छोटी सी वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।